बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे इनोवा फ्रॉन जैसी वायरिंग डायग्राम के बारे में। मैं इस वीडियो में इनोवा फ्रॉन जैसी वायरिंग का जितना भी वायरिंग है A to Z सारा वायरिंग कवर करूंगा। एंड ये वायरिंग कहां से आ रहा है, कहां तक जा रहा है, ये इसी एम्पलीफायर से कहां तक आ रहा है, कहां से जा रहा है, इसी एम से कैसे कनेक्ट हो रहा है, इसी कैसे ऑन हो रहा है, कंप्रेसर कैसे ऑन हो रहा है, सारा कुछ कवर करूँगा। उसके साथ साथ ये वायरिंग का कलर कोड भी आपको बताऊंगा, क्योंकि आने वाला टाइम में आप जब इस वीडियो को देख के सारा कुछ समझ के कार में अपना काम करने जाओगे तो कलर कोड याद रखने से आपको पता चलेगा ये वायरिंग कहाँ से आ रहा है, कहाँ तक जा रहा है। चलो देरी ना करके वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले हम बोल देते हैं इनोवा फ्रॉन्ट एसी वायरिंग डायग्राम करने के लिए कंपनी ने कुछ बेसिक कंपोनेंट यूज़ किया है। चलो सबसे पहले उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले 40 एम्पेयर का फ्यूज़ दे दिया बैटरी से पॉजिटिव देके, इग्निशन से 10 एम्पेयर का फ्यूज़ दे दिया, ब्लोअर रिले, एक मोटर, एसी स्विच 10 एम्पेयर का फ्यूज़ भी दे दिया, रेसिस्टेंट, ब्लोअर स्विच, प्रेशर स्विच, ECM, क्रैंक सब पोजीशन सेंसर, एसी एम्पलीफायर, कंप्रेसर, थर्मिस्टर। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, मैं सारा कुछ वीडियो में समझा दूंगा। अब भाइयों से एक ही रिक्वेस्ट होगा, इस वीडियो को पूरा देखना, ध्यान से देखना, क्योंकि मैं जब वायरिंग करने शुरू करूंगा तो एक वायरिंग के ऊपर से चला जाएगा। अगर आप स्किप कर करके देखोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो धीरे धीरे देखो और बातों को समझने का कोशिश करो। चलो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बैटरी से 40 एम्पेयर का फ्यूज़ डायरेक्ट 30 नंबर पे आएगा। ये जो वायरिंग होगा इसका कलर होगा ब्लैक। उसके बाद इग्निशन से 10 एम्पेयर का फ्यूज़ डायरेक्ट आएगा 86 नंबर रिले में। इस वायरिंग का कलर होगा रेड वायरिंग के ऊपर लाइट निशान। अब इस रिले को एक्टिवेट होने के लिए 85 में एक नेगेटिव देना पड़ेगा, और हम लोगों को सबको पता है इसका नेगेटिव ब्लोअर स्विच से मिलेगा। ब्लोअर स्विच में 4 कंडीशन रहेगा। सबसे पहले आपका ऑफ कंडीशन रहेगा, उसके बाद लो, मीडियम ऑन, मीडियम टू, हाई स्पीड, 1 2 3 4। उसके बाद आप जब भी ब्लोअर स्विच ऑन करोगे उससे पहले ये जो नेगेटिव है यहाँ से इसको डायरेक्ट ब्लोअर स्विच को नेगेटिव यहाँ से मिल जाएगा इसको। इसका कलर होगा WV। अब जब भी हम ब्लोअर स्पीड को एक नंबर स्पीड में ऑन करोगे तब सीधा इस इधर से एक वायरिंग जाएगा इसमें, ये होगा अर्थ का वायरिंग। इसका कलर होगा लाइट के ऊपर व्हाइट निशान। 30 नंबर पे फ्यूज़ आ गया, 40 एम्पीयर का बैटरी का पॉजिटिव आ गया, 86 नंबर पे इग्निशन का पावर आ गया, 85 में ब्लोअर का अर्थ आ गया इसमें। तो ये जो रिले है एक्टिवेट हो जाएगा। जब एक्टिवेट होगा तो इसको अपने तरफ खींचने लग जाएगा। जब ये खींचने लग जाएगा तो ये वायर सीधा हो जाएगा। सीधा होने के बाद 87 से डायरेक्ट ब्लोअर मोटर में आ जाएगा। इसका कलर होगा ब्लैक। और एक बात बता देते हैं, जब रिले एक्टिवेट नहीं होगा तो इस वायरिंग के ऊपर नेगेटिव आएगा, क्योंकि ये 5-पिन रिले है तो इसका एक वायर
ग्राउंड से होगा। जब रिले एक्टिवेट होगा तभी इसमें पॉजिटिव आएगा, जब रिले एक्टिवेट नहीं होगा ब्लड स्विच ऑफ रहेगा तो इस वायरिंग में नेगेटिव आएगा, इसीलिए 5-पिन रिले यूज़ किया जाता है। अब ब्लड मोटर में पॉजिटिव तो मिल गया, अब इसको नेगेटिव चाहिए, नेगेटिव हम देंगे ब्लड स्विच में से। रेसिस्टिंग में यहाँ से डायरेक्ट हम एक दे देंगे अर्थ में, हम जब लो कंडीशन में रहेंगे लो कंडीशन से इधर से इसको अर्थ मिल के डायरेक्ट इधर से पहला रेसिस्टेंट दूसरा रेसिस्टेंट उसके बाद एक और एक रेसिस्टेंट से होके एक फ्यूज से होके ये सीधा डायरेक्ट जाएगा ये वाला कलर होगा ब्लैक व्हाइट। अब जब हम दूसरा नंबर स्पीड ऑन करेंगे तो इसका वायरिंग सीधा इधर से जाके यहाँ पर लग जाएगा। इसका कलर होगा रेड। अब इसके बीच में सिर्फ एक ही रेसिस्टेंट होगा, एक ही रेसिस्टेंट होने से दो रेसिस्टेंट होने से इसका स्पीड थोड़ा बढ़ जाएगा, ब्लर मोजो थोड़ा और स्पीड में काम करना शुरू कर देगा। उसके बाद तीसरा नंबर पे आप जब ब्लर ऑन करोगे तब इसका वायरिंग सीधा इधर से इधर जाएगा, तब दो रेसिस्टेंट बीच में नहीं आएगा, सिर्फ एक ही रेसिस्टेंट होगा, तो इसके वजह से ब्लर का जो स्पीड है और बढ़ जाएगा। इसका कलर होगा आपका रेड ब्लैक, रेड वायर के ऊपर ब्लैक निशान ब्लू रेसिस्टेंट पे। इसके बाद जब आप फुल स्पीड में एसी को ऑन करोगे तब ये वायरिंग सीधा जाके इधर जॉइंट हो जाएगा, और इस वायरिंग का कलर होगा बी डब्ल्यू। ब्लोर स्विच तो हमारा ऑन हो गया। अब हमारे को ऑन करना है एसी। एसी जब हम ऑन करेंगे सबसे पहले एसी ऑन करेंगे, और हमको पता है ब्लोर से एसी को पावर मिलता है, जब तक ब्लोर ऑन नहीं होगा एसी काम नहीं करेगा। आप एसी का वजन जितना भी दबाओगे एसी ऑन नहीं होगा। तो इसका कनेक्शन ऐसा करते हैं जिससे पहले ब्लोर ऑन होगा उसके बाद एसी ऑन होगा। चलो देख लेते हैं। जब ब्लोर स्विच ऑन होगा यहाँ से नेगेटिव मिल जाएगा, इधर से पॉजिटिव मिल जाएगा, इधर से भी पॉजिटिव मिल जाएगा, तब यहाँ से 87 से इसको मेन सप्लाई मिल गया। मेन सप्लाई क्या करते हैं, यहाँ से एक वायरिंग कट करके सीधा जाएगा इस फ्यूज़ बॉक्स में। इस फ्यूज़ बॉक्स में दे देंगे, उसके बाद 10 एम्पीयर का एक फ्यूज़ यूज़ करके ये वायरिंग और भी आगे जाएगा। उसके बाद हम बाद में दिखाएंगे, सबसे पहले इसको एसी स्विच से कनेक्ट करते हैं। एसी स्विच से कनेक्ट करने के लिए हमको ये जो 10 एम्पीयर के फ्यूज़ के बाद से एक वायरिंग कनेक्शन ऐड करना है, ऐड करके सीधा इसको इधर से लेके हमारे को एसी स्विच में दे देना है। एसी स्विच में 5 वायर होता है, उसका फंक्शन अलग अलग होता है, मैं उसका लिए वीडियो बाद में बना दूंगा, अभी इसके लिए सिर्फ 3 ही वायरिंग काम आएगा। इस वायरिंग का कलर होगा, ये जो वायरिंग आया है लाइट ऑरेंज, लाइट वायर के ऊपर ऑरेंज निशान।
अब यहाँ पर जो डायोड यूज़ किया है वो एसी वन सिग्नल को देगा सीधा एसी एम्पलीफायर को। सीधा ये वायर जाएगा एसी एम्पलीफायर को, एसी एम्पलीफायर में सीधा जाएगा। तो ये वायर का कलर कोड होगा रेड ग्रीन, रेड ग्रीन। और ये वायर जाएगा एसी एम्पलीफायर को, एसी एम्पलीफायर में 4 नंबर पिन में। और इसके ऊपर मैं लिख देता हूँ एसी ऑन, एसी ऑन सिग्नल एसी एम्पलीफायर को चला गया। अब जब आप देखते हो एसी ऑन हो गया तब एसी स्विच में एक एलईडी लाइट चलता है, तो उसका भी वायरिंग मैं इसमें दिखा देता हूँ। उसका वायरिंग ए डायोड और एलईडी यूज़ करके होता है। ये भी वायरिंग सीधा जाएगा एसी एम्पलीफायर में। मैं इसका नाम दे देता हूँ AIND। ये वायर आपका जाएगा 13 नंबर एसी एम्पलीफायर में, 13 नंबर जो पिन आउट हो उसमें जाएगा। इसका कलर होगा रेड लाइट, रेड वायर के ऊपर लाइट। अपने ये तो देख लिया, अब सारा बात होगा एसी एम्पलीफायर से ईसीएम, ईसीएम से कंप्रेसर, थर्मोस्टेट, प्रेशर स्विच के बारे में बात करेंगे। मैंने पहले ही बोला था आपको ये जो वायरिंग मैंने इधर से कट किया है ये वायरिंग हम सीधा दे देंगे एसी प्रेशर स्विच को। एसी प्रेशर स्विच का काम होता है जब आपका कार में गैस रहेगा, एसी कंप्रेसर ऑन होने के लिए गैस रहेगा तभी प्रेशर स्विच ऑन होगा, अगर गैस नहीं रहेगा तो प्रेशर स्विच बंद रहेगा। प्रेशर स्विच में आ गया, जब तक ये प्रेशर स्विच में आ रहा है तब तक इसका कलर होगा रेड ऑरेंज, ए लाइट वायर के ऊपर ऑरेंज निशान। उसके बाद प्रेशर स्विच से ये सीधा जाएगा एसी एम्पलीफायर में, एसी एम्पलीफायर में ये जब भी जाएगा इसका कलर चेंज हो जाएगा येलो ब्लैक, येलो वायर के ऊपर ब्लैक निशान वाला वायर सीधा एसी एम्पलीफायर में जाएगा एसी एम्पलीफायर का 3 नंबर पिन में। मैं इधर लिख देता हूँ PSW प्रेशर स्विच 3 नंबर में जाएगा। अब हमारे को सबको पता है एसी एम्पलीफायर को सबसे पहले दो चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। पॉजिटिव तो हम इग्निशन से देंगे, ये रहा आपका इग्निशन का स्विच, ये वाला सीधा इग्निशन स्विच एसी एम्पलीफायर में, एसी एम्पलीफायर में रेड वायर के ऊपर लान लाइट निशान वाला जो वायर होगा सीधा इग्निशन में जाएगा। इसका मैं नाम दे देता इग्निशन, और ये आएगा 10 नंबर पिन आउट में। एसी एम्पलीफायर का 10 नंबर जो पिन आउट होगा वो इग्निशन का होगा। अभी एसी एम्पलीफायर को एक नेगेटिव का ज़रूरत है, तो हम इस नेगेटिव को ले जाके इसमें जॉइन कर देंगे। इस नेगेटिव का कलर होगा लाइट वायर के ऊपर वाइट निशान, और ये सीधा जाएगा आपका ए सीधा जाएगा सॉरी वाइट ब्लैक, और ए सीधा जाएगा आपका अठारह नंबर पिन में।
इसमें मैं सिग्नल दे देता हूँ माइनस का, सॉरी प्लस हो गया, दे दिया माइनस का, ये हो गया आपका ग्राउंड का सिग्नल। अब अभी तक इसका कंप्रेसर ऑन नहीं हुआ, कंप्रेसर ऑन होने के लिए एसी एम्पलीफायर से अब दो वायर निकलेगा, एक वायर आपका सीधा जाएगा एसी थर्मिस्टर के ऊपर, एसी थर्मिस्टर के ऊपर इस वायर का कलर होगा ग्रीन टी ई, और सीधा इस वायर को अब इसका दूसरा वायर एसी थर्मिस्टर होते हुए जाएगा एक पिंक वायर से होते हुए जाएगा एस जी वन, ग्रीन वायर से जाते हुए थर्मिस्टर में जाएगा, थर्मिस्टर से होके सीधा फिर से एसी एम्पलीफायर में जाएगा। थर्मिस्टर होता है कूलिंग कॉइल के अंदर जो सेंसर लगा हुआ होता है उसको ही बोलते हैं थर्मिस्टर या थर्मिस्टर जो भी हो। जब ये सारा कुछ कंप्लीट हो जाएगा तब एसी एम्पलीफायर क्या करेगा, एसी एम्पलीफायर उसका एक नंबर वायर से कंप्रेसर में दे देगा, ये वायर कलर होगा लाइट वायर के ऊपर वाइट निशान, और ये एसी एम्पलीफायर का एक नंबर वायर से आएगा। कंप्रेसर का पॉजिटिव मिल गया, इसका नेगेटिव इधर से मिल जाएगा, इंजन ग्राउंड से इसको नेगेटिव मिल जाएगा। अब सारा इधर का हो गया, अब चाहिए ईसीएम से कैसे कनेक्ट करेंगे। अब ईसीएम का भी देख लेते हैं, एसी एम्पलीफायर से ईसीएम में सिर्फ दो ही वायर जाएगा, एक वायर जाएगा आपका 14 नंबर वायर, एसी एम्पलीफायर से 14 नंबर वायर सीधा जाएगा ईसीएम का पिन आउट में 24 नंबर पे जाएगा, एसी एम्पलीफायर का दो नंबर वायर सीधा जाएगा ईसीएम का 25 नंबर पिन आउट में, एसी एम्पलीफायर का 14 नंबर वायर जो 24 नंबर ईसीएम एम्पलीफायर का होगा वो एसी ऑन हो गया उसका सिग्नल देगा। उसके बाद एसी एम्पलीफायर का दो नंबर जो वायर होगा 24 नंबर पे तो वो एसीटी जो सेंसर होता है उसका सिग्नल देगा। जब ईसीएम को पता है, पता चल गया एसी ऑन हो गया, थर्मोस्टेट सेंसर सारा कुछ ठीक है, तब ईसीएम क्या करेगा, कंजेंसर जो फ़ैन होता है उसको ऑन करेगा। मैं कंजेंसर फ़ैन का इसका कुछ नहीं किया क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने इसमें कंजेंसर फ़ैन का कोई वायरिंग नहीं किया, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और वीडियो में दिखा दूंगा। ईसीएम से दो वायरिंग अब आएगा सीधा सीपीएस सेंसर में। अब आप बोलोगे सीपीएस सेंसर क्या है, सीपीएस सेंसर होता है क्रैंक सब पोजीशन सेंसर। उससे पहले इसका ये देख लेते, इसमें एन ई माइनस एन ई प्लस, इसमें माइनस इसमें प्लस दोनों में आ गया, एक वायर आएगा योलो एक वायर आएगा लाइट कलर का, यहाँ से इसको सीधा ग्राउंड मिल जाएगा। मैं इसके ऊपर ज़्यादा कुछ नहीं बताऊँगा, सिर्फ आपको बता देता हूँ सी पी ए सेंसर मतलब होता है क्रैंक सब पोजीशन सेंसर। जब हम गाड़ी स्टार्ट करते तब उसका आरपीएम हो जाता है लगभग 700-800 ऐसा हो जाता है, हर कार में अलग अलग होता है। जब आप एसी ऑन करते हो तो उसका आरपीएम बढ़ जाता है, आरपीएम बढ़ने का रीज़न यही है ईसीएम क्रैंक सब पोजीशन सेंसर को सिग्नल देता है
जो एसी ऑन हो गया, इंजन के ऊपर लोड पड़ रहा है, आप इंजन का जो पावर है वो थोड़ा और बढ़ा दो। क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर काम करता है जो इंजन के अंदर जो इंजन के ऊपर जो स्पार्किंग होता है, उसके लिए ऑक्सीजन मतलब हवा का ज़रूरत पड़ता है, वो हवा का फ्लो ये थोड़ा बढ़ा देता है। इसके लिए इंजन का आरपीएम थोड़ा बढ़ जाता है, उससे एसी हमारा बहुत ही फर्स्ट क्लास चलता है। अगर आपको इस वायरिंग डायग्राम में कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों से शेयर करना।